स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम में आज हम करेंगे कौन सी स्टोरी पता है आपको? अर्ली और लेट, अर्ली और लेट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी। इट वॉज रियाज बर्थडे। शी हैड रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स लाइक टॉयज, डॉल्स एंड ड्रेसेस, बट her favorite gift was book gifted by her mother. She loved to read. When she returned home from school, she went to her room and started reading the book. Riya ka birthday tha. Use bahut sare gifts mili thi, jaise khilone, gudiya aur kapde. Lekin uski manpasand yani favorite gift thi book, जो उसकी मम्मा ने दिया था। उसे वह बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वह स्कूल से आती थी, अपने रूम में जाके वह बुक पढ़ना शुरू कर देती थी। She was reading her book and did not realize that it was already time to go to bed. Riya, it's getting too late. You should sleep now. You have to wake up early to go to school tomorrow. You can continue reading the book tomorrow after coming back from school, said her mother. But Riya wanted to finish reading the book that night, so she kept on reading till it go over and slept very late. रिया जब बुक पढ़ रही थी तो उसे पता नहीं चला कि कितना टाइम चला गया है और सोने में लेट हो रहा है। जब उसकी मम्मी ने कहा, रिया अब बहुत लेट हो रहा है, अब रात भी बहुत हो चुकी है, ये बुक तुम कल स्कूल आने के बाद भी पढ़ लेना, कल तुम्हें जल्दी स्कूल भी जाना है। लेकिन रिया को वह बुक उसी रात कंप्लीट करनी थी। उसने वह पूरी बुक की, तब तक बहुत रात हो चुकी थी और उसे सोने में भी लेट हो गया था। As she had slept very late at night, the next morning she could not wake up on time. She missed her school bus and reached her school very late. वह रात को लेट सोई थी, इसके कारण वह सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाई, तो उसकी बस भी मिस हो गई और स्कूल पहुंचने में भी लेट हो गया। She reached very late to school. She started her activity late, so she was the last one to finish it. After the activity, the class was going for puppet show. She was late for the puppet show as well. She had to sit at the end because she was the last one to reach the hall. She felt very bad. She realized her mistake and decided she will go to bed early from now on. My school late pahunchi. Isse उसे सब एक्टिविटी भी लेट शुरू हुई और सबसे लास्ट में फिनिश भी हुई। एक्टिविटी के बाद पपेट शो था और पपेट शो में जाने के लिए भी वह लेट पहुंची और उसको लास्ट में हॉल में सीट मिली। तब उसे बहुत बुरा लगा। उसने महसूस किया कि मेरी मिस्टेक के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, लास्ट में सीट मिली और मेरा काम भी लेट हो रहा है। फिर उसने डिसाइड किया, अब से मैं जल्दी सोऊंगी और जल्दी उठूंगी। When Riya returned home from school, she decided to eat her dinner early and go to bed early. The next morning, she was got up early and got dressed for school early too. She was early for the bus and did not miss the school bus this time. जब रिया स्कूल से घर लौटी
तो उसने डिसाइड किया था, आज मैं रात का खाना जल्दी खा लूँगी और जल्दी सो जाऊँगी। अगली सुबह वह जल्दी उठी और स्कूल के लिए भी जल्दी से तैयार भी हो गई और स्कूल बस के लिए भी जल्दी से तैयार होके स्कूल में भी वह जल्दी टाइम पे पहुंच गई। रिया रीच स्कूल अर्ली एंड हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू हर एक्टिविटी। She was able to finish her activity well in time. She was the first one to get ready for the next activity. So the teacher put her first in the line when they were going to play in the garden. Riya was very happy and was never late to school again. Riya jaldi school pahunch gayi, जिसके उसके पास बहुत टाइम था और वह अपनी एक्टिविटी भी जल्दी से पूरी कर सकी और वह अपनी एक्टिविटी पूरी करने में फर्स्ट आई। इसके लिए टीचर ने उसको फर्स्ट लाइन में रखा जब वह गार्डन में ले जा रहे थे। रिया बहुत हैप्पी हो गई और उसके बाद वह कभी भी स्कूल के लिए लेट नहीं हुई। आपको ये स्टोरी पसंद आई? आपको भी जल्दी उठना है, जल्दी सोना है और अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश करना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज टू हेल्दी एंड वेल्दी रहना है। ओके, बाय बाय।